नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनमें नाहिद खान गुड मॉर्निंग, भारती सिंह गुड मॉर्निंग, विभा गुड मॉर्निंग, नेहा सिंह गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी मौर्या गुड मॉर्निंग, हिमांशु वेरी गुड मॉर्निंग, अखिल कुमार गुड मॉर्निंग, कायनात अंसारी गुड मॉर्निंग, नेहा मिश्रा गुड मॉर्निंग, श्वेता, अंतरा वर्मा, श्याम त्रिवेदी, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आपका दिन अच्छा हो। और जो लोग जल्दी से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसके 15 क्वेश्चन कल सॉल्व हो चुके थे, बाकी के 15 बचे थे वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं ताकि जो बाकी के 15 क्वेश्चन उन्हें हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, कुछ लोग और जुड़ चुके हैं। अनामिका सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। दीपांजलि शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, वंदना सिंह गुड मॉर्निंग, गरिमा सिंह गुड मॉर्निंग, मनीषा वाजपेयी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रतिभा वाजपेयी, प्रतिभा वर्मा गुड मॉर्निंग, प्रीति कुशवाहा गुड मॉर्निंग, रश्मि श्रीवास्तव वेरी गुड मॉर्निंग, एसपी सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, आकांक्षा सिंह चौहान गुड मॉर्निंग, विवेकानंद कैसे हो भैया गुड मॉर्निंग, शबा परवीन गुड मॉर्निंग, प्रशांत कुमार सुप्रभात, निधि वर्मा गुड मॉर्निंग, राज वर्मा गुड मॉर्निंग, जिनका नाम अगर नहीं आ रहा है तब भी मान के चलिए सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है, क्योंकि अब एक डेली का डेली हैबिट बन गई है सबका नाम लेने की। तो अगर किसी दिन नहीं लेंगे तो आप लोगों को लगेगा आज नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए हम सबका नाम ले। मुनेंद्र गुड मॉर्निंग, संवेदना वेरी गुड मॉर्निंग, नीलम गुड मॉर्निंग, जूही वर्मा गुड मॉर्निंग, सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। नेहा सिंह क्वेश्चन कौन सा है ये बता दो पहले। शिवांशु, दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा सीख रहा, दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों कौन सी गलती करेंगे? तो एक चीज जान लीजिए, आपने क्वेश्चन में पूछा है कि दो बच्चे भाषा सीख रहे हैं, एक बच्चा उस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा उसी को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों जो गलतियां करेंगे वो सीखने की गलतियां करेंगे, और सीखने की गलतियों को डेवलपमेंटरी एरर बोलते हैं, विकासात्मक त्रुटि बोलते हैं। तो आपने क्वेश्चन भेजा है लेकिन ऑप्शन नहीं भेजे, फिर भी हम आपको आंसर बता रहे हैं, इसका सही उत्तर है विकासात्मक त्रुटियां। ओके, अच्छा हाँ, आंसर ऑप्शन में आपने शिवांशु भेज दिया है, इसका तो दूसरा वाला सही होगा विकासात्मक। ठीक है, एस एम मौर्या गुड मॉर्निंग, सुमन यादव और नेहा यादव दोनों लोगों गुड मॉर्निंग, श्रीकांत कुमार गुड मॉर्निंग, और जो नेहा सिंह ने क्वेश्चन कौन सा है मुझे पता नहीं, आप पहले क्वेश्चन भेजिए, आपने सिर्फ ये भेजा है कि मेरे क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए, बट क्वेश्चन कौन सा है ये आपने अभी तक नहीं बताया है। रिंकी गौतम गुड मॉर्निंग, और किसी का अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्लियर कर लीजिए अगर किसी का कुछ पूछना है, फिर हम लोग बाकी के जो 15 सवाल है उनको सॉल्व करते हैं। जल्दी पूछिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप पूछ लीजिए, कोई डाउट है उसे पूछ लीजिए। और कल से हम लोग जूनियर का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने पहले बता दिया था प्राइमरी का पेपर सॉल्यूशन आज कंप्लीट होता है, अभी जो 15 सवाल करने के बाद। फिर भी ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें, हम उसे बताएंगे, बट प्राइमरी का पेपर आज के बाद नहीं, अब कल हमसे हम लोग जूनियर का सॉल्व करेंगे। शिवांशु का आंसर दे दीजिए, हाँ बिल्कुल बता तो दिया मैंने विकासात्मक त्रुटि। नेहा सिंह ने कहा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या मतलब है। नेहा शायद आप नई हैं YouTube पर हमारे, क्योंकि ये चीज बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि प्रकृति और पोषण के विवाद का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम से होता है और पोषण का मतलब जो है वो वातावरण से होता है, और विवाद इसलिए है क्योंकि जब से साइकोलॉजी में इस चीज की स्टडी स्टार्ट हुई है तब से जो है एक तरीके का विवाद है कि जीवन में किसका महत्व ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ वातावरण को। इस विवाद को प्रकृति पोषण विवाद कहा जाता है।
अनुराग शुक्ला करें, सर आपने कोई सरकार को संदेश नहीं दिया, बाकी सारे लोगों ने यूट्यूब पर संदेश जारी किया, रिजल्ट को लेकर देरी हो रही है। भैया सभी लोगों ने जो संदेश दिया उसी में हमारी सहमति है, ठीक है, चूंकि कल हम यूट्यूब चलाए नहीं और यहाँ पर चूंकि क्लास ले रहे थे इसलिए हम नहीं दे पाए, और आप लोगों का जो मोमेंट था वो रंग लाया और एसएससी ने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, और चूंकि चेक एंड बैलेंस का एक फॉर्मूला होता है कि जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक कोई काम होता नहीं है, ठीक है। श्याम त्रिवेदी, सर आपका इंडिविजुअल बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बस कल या परसों से, ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं उनको पूरा करने के बाद हो जाएगा। अंकिता गुड मॉर्निंग, राज वर्मा संरचनावादी ढांचे में अधिगम रूप से यंत्रवयात करने पर आधारित, प्रबलन पर, अनुबंधन पर, अवबोधन पर। देखिए रचनावाद में हमेशा अवबोधन पर बल होता है, समझ पर बल होता है, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? अवबोधन पर, ठीक है। विभा श्रीवास्तव ने आंसर दे दिया, प्रकृति अनुवांशिकता है या जैविकी विशिष्टता को कहते हैं। श्याम त्रिवेदी करें, केवीएस पीआरटी बिल्कुल यही बैच में बात कर रहा हूं, बस एक दो दिन में स्टार्ट होगा। अधिगम प्राथमिक रूप से, क्या आपने भेजा है मतलब, मैंने आंसर आपको बता दिया है, अधिगम प्राथमिक रूप से नहीं बल्कि अवबोधन पर आधारित संरचनावादी ढांचे में जो ज्ञान है वो सीख कर समझ कर जनरेट किया जाता है, ना कि याद कर कर, ठीक है। अरुण कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अनुराग आई होप आप तक बात पहुंच गई होगी कि आपने एक सरकार, देखिए मैंने बताया कि हाँ, अरुण कुमार कह रहे हैं 69,000 पर कुछ बोले गवर्नमेंट को, बिल्कुल सभी लोग बोलेंगे, हम भी बोलेंगे उसमें, ठीक है। 69,000 बहुत जल्दी भर्ती होनी चाहिए, जैसे कि आप सभी लोग ने एक मोमेंट चलाया कि 5 तारीख को शाम को 5 बजे आप लोग जो है एक जैसे हैशटैग चला था ट्विटर पर, ऐसे ही आज मैं पढ़ रहा था कुछ विद्यार्थी संगठनों ने एक प्लान किया है कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर शाम को 5 बजे थाली और जो घंटी या जैसे बजाई गई थी एक बार कोरोना वॉरियर्स के लिए उस तरीके से बजाई जाए, ताकि ये 69,000 भर्ती के लिए। तो इस तरीके के मोमेंट में आप लोग सम्मिलित होइए, तमाम स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो इसको लीड कर रहे हैं और हम सभी लोगों का सहयोग उस पर रहेगा, ठीक है। शिवाजी गुड मॉर्निंग, प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रोग्रेशन क्या होता है, शिवांशु पूछ रहे हैं। देखिए जो विकास होता है हमारे शरीर का, शिवांशु, जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, ये बेसिकली दो पैटर्न पर होता है, जिसे जो है गुप्पू स्वामी ने दो पैटर्न के थ्रू इसको बताया था। एक होता है सिफेलोकैडुअल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो जो सिफेलोकैडुअल होता है इसका मतलब होता है कि सिर, जो शरीर का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका सिर स्थिर होता है, फिर कंधे, फिर कमर और अंत में पैर। और उसी तरीके से प्रॉक्सिमो डिस्टल जो शब्द है उसका मतलब होता है अंदर से बाहर, यानी हमारे अंदर के अंग पहले डेवलप हो जाते हैं बाहर के बाद में, ठीक है। तो अंदर से बाहर का मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन होता है। भारती सिंह गुड मॉर्निंग, ऋचा गुड मॉर्निंग, सर इस बार सरकार को सरकार का अर्थ समझा देंगे, उन लोगों को लगता है कि मैं मौलिक अधिकार पढ़ा ही नहीं कभी। बिल्कुल सही बात है, जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है, आप लोगों के या जनता के हाथ में ही सत्ता की चाबी होती है, लेकिन विरोध पॉलिटिकली ना होने पाए। जैसे कल देखा गया कि कल जब छात्रों ने आवाज उठाई तो तमाम विपक्षी पार्टियां उस समर्थन में आ गईं। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, आपके मोमेंट को राजनीतिक रंग दे देती हैं। इसलिए कोई भी मोमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो राजनीतिक रंग ना ले पाए। तो आप लोग अपने मोमेंट को राजनीति से अलग रखिए, किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करिए, किसी पार्टी का नाम मत लीजिए, बस अपनी आवाज उठाइए तो वो मोमेंट एक बड़ा आंदोलन बनेगा। लेकिन जो ही उसमें पॉलिटिकल उसमें तड़का लगता है वो मोमेंट आपका राजनीतिक हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। प्रिया कह रही है सर दो क्वेश्चन सेंड किए हैं व्हाट्सएप पर, चलो व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा, अभी समझा दूंगा, समझाने वाला होगा तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे बता दूंगा। दिव्या मिश्रा गुड मॉर्निंग, ऋचा कह रही है अनुराग भाई सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल। अंकित सोनी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि कोई भी आंदोलन तभी तक वो एक विस्तृत रूप ले पाता है जब तक वो राजनीतिक ना हो, नहीं तो उसकी डायरेक्शन गलत हो जाती है। अंशिका गुड मॉर्निंग, नेहा मौर्य गुड मॉर्निंग, अमन वाजपेयी वेरी गुड मॉर्निंग। 50 लोग हो जाएंगे तो हम बाकी के 15 सवाल शुरू कर देंगे, 45 लोग आ गए 5 लोग और जुड़ जाएं,
शिवांशु कह रहे हैं माइक्रो टीचिंग। भैया माइक्रो टीचिंग आप पूछ रहे हो या कह रहे हो पढ़ाने को? अगर आप पढ़ाने को कह रहे हो तो माइक्रो टीचिंग के टॉपिक सीटेट में नहीं आते, मैं आपको टीईटी या पीआरटी के क्लासेज में पढ़ाऊंगा। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं तो अलग चीज है। तो पहले क्लियर करिए आप क्या कह रहे हैं। विशाल गुड मॉर्निंग सर, प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? दो होते हैं, आंतरिक बाह्य, चाहे सकारात्मक नकारात्मक। अनुराग, अंबेडकर जी ने कहा था कि गरीबों का सबसे हथियार, बड़ा हथियार निर्वाचन होता है। ये बिल्कुल सही बात है, जो सत्ता में बिठाता है सत्ता से उतार भी सकता है, लेकिन बस वही बात याद रखिए कि अपनी आवाज को, अपने आंदोलन को राजनीतिक रंग मत दीजिए, ठीक है। आरती यादव गुड मॉर्निंग, प्रिंस शर्मा राम राम भैया। अच्छा शिवांशु करे माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं? याद करिए अगर आपने बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, ठीक है। मान लीजिए आपने बीएड किया या बीटीसी किया तो वहां पर माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण आपको कराया गया होगा, एक छोटा सा लेसन प्लान आपने बनाया होगा और अपने साथियों के साथ जो प्रशिक्षु थे बीएड या बीटीसी के, उनके साथ आपने सामने खड़े होकर पढ़ाया होगा। और इस तरीके से हम अपने अंदर कौशल विकसित करते हैं। तो शिक्षकों के अंदर 14 कौशल विकसित करने के लिए जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, उसी को माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। छद्म अवस्था क्या होती है? छद्म का मतलब छिपा हुआ होता है, ठीक है। अंकिता ने पूछा है छद्म अवस्था क्या होती है? छिपी हुई अवस्था, जब पता ना चले। तमाम ऐसा होता है ना, तो बच्चा जो है छोटा दिखता है लेकिन उसके अंदर गुण बहुत बड़े वाले बच्चे के आ जाते हैं। तो ये जो छिपी हुई अवस्था होती है, आई होप इसका आंसर पूर्व बाल्यावस्था होना चाहिए। अब इस कैंपेन को प्लीज यहां रोक दीजिए क्योंकि अब ज्यादा बातें हो रही। विशाल ठीक है, बेरोजगार हो तो उसको जो है, अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं उसको। अरुण सर 69,000 में आपके बहुत से स्टूडेंट हैं, सो आप लोगों की मुहिम में शामिल करें। बिल्कुल हम सभी लोग शामिल हैं, ठीक है, हम सभी लोग शामिल हैं। और 69,000 की लड़ाई तो वाकदा कोर्ट में चल रही है और कोर्ट की चीजों पर कोई मुहिम काम नहीं आती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। और इसके लिए बराबर सभी लोग प्रयासरत हैं। कौन नहीं चाहता कि जो है भर्ती ना हो? हम सभी लोग चाहते हैं और हर स्तर पर आप लोगों का साथ हम लोग दे रहे हैं। सर टीचर दिवस पर आपके क्या लिखा है रिचा ने? सर टीचर दिवस पर आपके सफल व्यक्तित्व और सबसे बेस्ट टीचर पर मैं एक कविता लिखूंगी, आपके आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। विशाल भैया क्यों परेशान हो, रोजगार मिलेगा? बिल्कुल सर, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा क्या होती है? संवेदना। जब हम किसी काम को करने चलते हैं तो हमारे सामने कभी कभी दो ऑप्शन आ जाते हैं कि ये काम सही होगा कि गलत होगा, ये नैतिक दुविधा होती है। लेकिन हम अपने तर्क के द्वारा उसमें से एक काम को चुन लेते हैं। सपोज दैट आपके पास पैसा नहीं है और आपको लगता है कि इस घर में ढेर सारा पैसा रखा, चलो चोरी कर ले। तो ये चोरी कर ले तो एक मन कहेगा नहीं चोरी करना गलत है, एक कहेगा नहीं चोरी कर ले, तो ये नैतिक दुविधा है। फिर आप एक काम को चुन लेते हो कि नहीं हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी करना गलत होता है, कानूनन अपराध होता है और हम जाकर मेहनत करके पैसा कमाएंगे, ये नैतिक तर्कड़ा है, ठीक। रेशम द्विवेदी प्रणाम। भारती सिंह अब चलिए सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल प्रियंका यादव सर, अंतरपरक अनुदेशन क्या होता है? एक एक बच्चा, अंतरपरक का मतलब एक तरीके से जैसे बच्चे की कोई समस्या, उसको हम इंडिविजुअली जब ट्रीट करते हैं, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ाना, इंडिविजुअली उसकी समस्या को समझना। हाँ बिल्कुल, 56 लोग हो गए, बस स्टार्ट करें। अशरफ नोमान गुड मॉर्निंग, 58 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए 60 हो गए हैं, शुरू करिए। चलिए पहला क्वेश्चन डालिए, 16 नंबर क्वेश्चन। पूर्णिमा मिश्रा नमस्ते, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, चर्चाएं होती रहेंगी। चलिए, कल 15 सवाल हो चुके थे, 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा? अनुवांशिकता, नैतिकता, सामाजिक या शारीरिक। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, सी शारीरिक और डी सामाजिक है। तो आपको बताना है कि वाइगोट्स्की किस एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। आसान सवाल है, आप लोग आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए इसका आंसर। तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आसान सवाल था। नेक्स्ट लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दिया करिए। 17 शिवाजी, 17 का डी कहां से दे दिया? 16 डी लिखो ना, है ना शिवा, तुम अपने आंसर को सही करो। हाँ आप सही किया तुमने, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, दूसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, तीसरा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और चौथा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन में कहा गया एक शिक्षिका, एक टीचर है जो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लास के अंदर प्रोग्राम करती है। उसे अगर कोई टॉपिक बताना है, उस टॉपिक को कविता से भी बताती है, उस टॉपिक को वो चार्ट से भी प्रस्तुत करती है, उस टॉपिक को वो लेक्चर से भी बताती है, यानी वैविध्यपूर्ण कार्यों द्वारा संतुष्ट करती है। तो वो शिक्षिका क्या समझती है बच्चों के बारे में? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो अगर हम पहले ऑप्शन को सही माने तो पहला ऑप्शन कहीं से यह नहीं कहता कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें विविधता चाहिए, वो तर्क की बात करता है, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत अगर हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है इस चीज को, तो हमने आपको बताया था गार्डनर मानते हैं कि बुद्धि क्षमताओं को कहते हैं। यानी बुद्धि क्या है, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या होता है, बुद्धि क्षमताएं हैं। और हर बच्चे की क्षमता क्या होती है, अलग होती है, कोई किसी चीज में बेस्ट होता है, कोई किसी चीज में बेस्ट होता है। तो जब हर बच्चे की क्षमता अलग है तो हम उसे पढ़ाने के, हम उसे सिखाने के तरीके भी क्या करेंगे, अलग रखेंगे। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बी होगा, ठीक है। सी और डी में कहीं से भी क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, तो सही उत्तर बी होगा। आप सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, बिल्कुल सारे लोगों ने सही आंसर दिया, बी आंसर इसका होगा। जहां पर आपको कोई डाउट लगे, हाँ, उसको आप पूछते रहिए, ठीक है। सभी लोगों ने बी दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, इसके ऑप्शन कहां है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आया उसके ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए हैं। अगर आपके पास, किसी के पास किताब हो या इसके क्या क्या ऑप्शन है तो प्लीज वो लिख कर भेज सकता है इसके ऑप्शन। यानी कोई टीचर है वो अपने आप कभी भी कोई काम नहीं करती, या बच्चों, जब बच्चों से कभी भी उत्तर नहीं लेती, बल्कि उसको एक नए तरीके से चर्चा के द्वारा, सहयोगात्मक अधिगम, बातचीत के द्वारा आंसर निकालने की कोशिश करती है। तो इस उपागम को हम क्या कहेंगे, आंसर रचनावाद होना चाहिए। अगर अब मुझे पता नहीं कि किस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया है, अगर आपके पास ऑप्शंस हो, अच्छा मिल गए ऑप्शन, देखिए इसमें आंसर भेजा है भारती सिंह ने, सक्रिय सहभागिता, ओके ठीक है, ऑप्शन में अब मेरे पास आ गया, देखता हूं मैं क्या इसका आंसर हो सकता है। चारों ऑप्शन कोई लिखकर भेजिए, क्योंकि आप लोग आंसर भेज रहे हैं, जरा चारों ऑप्शन लेकर भेजिए। सक्रिय भागीदारीता, हाँ बिल्कुल, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हो गई होगा, लेकिन अनामिका सिंह अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक तो कभी नहीं हो सकता। अनुदेश का मतलब है इंट्रक्शन देना, जैसे मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखो तो आप लिखने लगो, मैंने कहा इसका आंसर ये होगा, तो अनुदेश तो यहां है ही नहीं, वो शिक्षिका तो अनुदेश दे ही नहीं रही, बल्कि चर्चाएं कर रही है और चर्चा के द्वारा सही उत्तर तक पहुंच रही है, तो अनुदेश नहीं होगा, ठीक है। सहकारी सहभागिता होगा, बिल्कुल सक्रिय या सहकारी। अनुराग शुक्ला करें, 2017 भर्ती परीक्षा का प्रश्न है, पेपर लिखित हुआ, इसलिए विकल्प नहीं दिए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, विकल्प तो होगा, क्योंकि ये टाइपिंग में दिक्कत है, विकल्प तो होगा, जैसे इन लोग लिखकर भेज रहे हैं सक्रिय सहभागिता, ठीक है, आप इसको ज्ञान का निर्माण, रचनावाद या सक्रिय सहभागिता कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, इसका आंसर, चलिए थोड़ा सा ऑप्शन नहीं थे तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो उसमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? आपसे पूछा गया है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, यानी अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, कुछ कारक स्टूडेंट से संबंधित होते हैं, कुछ कारक व्यवस्था से संबंधित होते हैं, और कुछ कारक शिक्षक से संबंधित होते हैं। तो आपको बताना है शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है। पहला है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है
शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो आपको यह बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा उत्तर या कौन सा ऑप्शन शिक्षक से संबंधित है, टीचर से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा होगा। आंसर आ भी रहे हैं, आप लोग डी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आप लोग आंसर किताब के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा समझिए इस चीज को, मैं किताब के आंसर यहां नहीं लेता हूं। एक चीज हमारी समझिए, आपसे पूछा गया है सॉरी आपसे पूछा गया है कि शिक्षक से संबंधित कौन सा कारक हो सकता है। शिक्षक से संबंधित पहला ऑप्शन आपसे दिया गया है बैठने की व्यवस्था। अब जो बैठने की व्यवस्था, बच्चे ऐसे बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे, ये शिक्षक से संबंधित कारक नहीं हो सकता, ये व्यवस्था से संबंधित कारक है। दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, स्कूल के अंदर कितने संसाधन उपलब्ध हैं, स्कूल के पास कितने रिसोर्सेज हैं बच्चों को सिखाने के, तो यह भी व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, शिक्षक किस तरीके का अनुभव बच्चे को देता है, वो लेक्चर से पढ़ा रहा है, वो करिकुलम से पढ़ा रहा है, या वो लिखित रूप में पढ़ा रहा है, वो मुक्त उत्तर ले रहा है, बद्ध उत्तर ले रहा है, रचनावादी क्लास बना रहा है, ये डिपेंड करता है अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति यानी प्रकृति पर, यानी वो शिक्षक बच्चों को किस प्रकार के अधिगम अनुभव दे रहा है। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, कि शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। तो एक चीज आप याद रखिए, जब हम कोई भी पेपर दे, वो सिर्फ सीटेट का नहीं, और आपको पता है कि आप शिक्षक ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर शिक्षक लिखा हुआ है, यानी वो बीएड या बीटीसी कर फिर सीटेट पास करके वो टीचर बना है, तो उसे सब्जेक्ट नॉलेज तो होगा ही होगा। ये हम कैसे समझ लेते हैं, जब ऊपर एक शब्द लिखा है शिक्षक से संबंधित, यानी वो टीचर है, और जब वो टीचर है तो उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में चीजें पता ही होंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि वो शिक्षक तो है लेकिन अपने बच्चों को किस प्रकार का एनवायरमेंट देता है, ये डिपेंड करता है टीचर से संबंधित फैक्टर पर। ठीक है, हाँ, और शुरुआत में सभी लोगों ने डी आंसर देना शुरू कर दिया। डी आंसर आप किस आधार पे दे देते हैं, जब ऊपर किसी भी, देखिए किसी भी एग्जाम में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, एक शिक्षक है, जैसे मान लो डेमो क्लास जुड़ी है, तो आपसे हो सकता है केबीएस में या किसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक शिक्षक हैं, आपको सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए। तो जब आपसे कह दिया गया आप एक शिक्षक हैं, इसका मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब वहां पर विषय वस्तु का कोई संबंध नहीं बचता, अब वहां बचता है कि आप कैसे पढ़ाते हो, पेडागोजी पर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, यानी पेडागोजी, ना कि जो है डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया श्याम त्रिवेदी का, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर आया तो 4 सही होगा, सक्रिय भागीदारिता। कायनात अंसारी, पूर्णिमा तुम्हारा आंसर कहां है, जल्दी दो तुम, क्यों। नामिका करी, असर 19 का सी, श्याम बुक में ये ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल इसीलिए मैंने पहले जो ही आप लोगों ने डी आंसर देना शुरू किया मैंने तुरंत बोल दिया था कि बुक के आंसर मत करिए, अपने आंसर करिए। सर 3 वाला ऑप्शन समझा दीजिए। ठीक है, मैं उतनी देर से ऋचा 3 वाला ऑप्शन ही समझा रहा हूं, कि आप बच्चे को कौन से अनुभव दे रहे हो। आप शिक्षक बन गए, आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, आप लेक्चर से पढ़ा रहे हो, आप चार्ट से पढ़ा रहे हो, आप क्लास में चर्चाएं कर रहे हो, आप क्लास को रचनावादी बना रहे हो, यही अधिगम अनुभव की प्रकृति होती है। ये डिपेंड करता है पेडागोजी पर, कि आपको पेडागोजी या शिक्षण कला कितनी अच्छी आती है। और जब क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया गया है आप शिक्षक हैं, तो विषय वस्तु की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीटेट में जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, और हमेशा बुक के आंसर सही नहीं होते। हाँ बिल्कुल भारती के, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था। ठीक है, तो मैं कोई क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करूं फिर भी आंसर मैंने देखा बुक का ही आप लोग देते हैं, थोड़ा सा ये समस्यात्मक है। एक चीज मैं रोज कहता हूं कि मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं और यही क्वेश्चन शाम को फिर आपके सामने मिले, तो ये नहीं कि बिना सोचे समझे सी लगा दिया, उस क्वेश्चन पर आप विचार किया करिए, तब आपको सीटेट की नब्ज पता चलेगी, तब आपको सीटेट में आसानी से आप आंसर देंगे, जब आप रटने से दूर थोड़ा विचार विश्लेषण पर ध्यान देंगे। कोई सवाल मान लीजिए यही क्वेश्चन आपने पढ़ा, 2 दिन बाद मैं फिर यही क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो नहीं क्वेश्चन आया सी लगा दिया, ऐसा नहीं है।
जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं सी क्यू, तब तक मत माना करिए सीटेट के आंसर। यही विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, यही पेडागोजिकल अप्रोच होता है और यही सीटेट आपके अंदर निकालना चाहता है, ठीक है। इसलिए जब तक आपको खुद ना आंसर लगा करे, तब तक आप किसी किताब से या किसी के कहने पर उस आंसर को माना मत करिए, ठीक है। अगर वो चीज फैक्चुअल है तो अलग चीज है। फैक्ट पूछा गया कि जीन पियाजे किस देश के निवासी, तो ऐसे सवाल में तो जो है फैक्ट हम किसी का मान ले किसी किताब की, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं खासकर पेडागोजिकल इशू पर, उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर या चिंतन करके आंसर दिया करें। नेक्स्ट लगाए क्वेश्चन। अच्छा, सौरभ वर्मा करे सर आपकी ऑफलाइन क्लास पढ़ने के लिए तरस गए हैं। उससे ज्यादा भैया हम तरस गए आप लोगों को देखने के लिए। अब देखिए शायद 21 तारीख से कुछ ऐसा ऑर्डर आया है कि 100 लोगों की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं आप 21 सितंबर से 100 लोगों का। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा मौका इंटरेक्शन का। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य, अच्छी बातें, तर्क कैसे विकसित कर सकते हैं। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर हम बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन दें। दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर हम बच्चे के व्यवहार करने की, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इसके नियम बनाए। तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चे को शामिल करें, उससे बातचीत करें, उसके व्यूज लें। और फोर्थ ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाए, इसके लिए कठोर निर्देश देकर। तो बार बार एक ही चीज मैं कहता हूं, आप चारों ऑप्शन में रचनावाद खोजा करिए, रचनावाद, ठीक है। और जहां आपको रचनावाद मिल जाए बस वही आंसर सही होता है। और इसमें अगर सी ऑप्शन में देखेंगे तो बच्चों को हम शामिल कर रहे हैं, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये चीज कही है कि 150 सवाल सीटेट में आते हैं, 150 में लगभग 100 के आसपास आंसर आप केवल रचनावाद के आधार पर निकाल सकते हो। अपने दिमाग में रचनावाद को बिठा लीजिए, 100 सवाल आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते। और रचनावाद क्या होता है, हमें उसी उत्तर को चुनना होता है जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखे, जिसमें बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट लगाए। छोटे विद्यार्थी को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। सब में रचनावाद होगा, प्राची साइंस मैथ किसी भी सब्जेक्ट की बात करी जाए, ठीक है। इसका मतलब फिर आप रचनावाद समझी ही नहीं है, ये सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं, हर जगह पर रचनावाद सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे विद्यार्थी होते हैं, ये कहा जाता है बड़े बच्चों के साथ इंटरेक्ट हों, बड़े बच्चों के साथ या अपने समवयस्कों के साथ, अपने सेम एज के साथ बच्चों के साथ खेलें, कूदें, बात करें, है ना। क्यों? पहला है एक दूसरे से उत्तर सीख सकते हैं, एक दूसरे से आंसर जान सकते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा हो जाएगा। तीसरा है वे सीखने के दौरान, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, यानी सामाजिक कौशल जो है, क्योंकि हमें चारों विकास बच्चे में करने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये चारों विकास करने हैं। शारीरिक विकास कैसे होगा, खेलने से, खाना पीने से, है ना, अच्छी पोषण से। मानसिक विकास कैसे होगा, पढ़ने से, बात करने से, खेलने से, याद करने से, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने से। सामाजिक विकास कैसे होगा, बात करने से, खेलने से, वही बात आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आप लोगों ने सी आंसर दिया भी है, ठीक। अब देखिए प्राची राजपूत ने यहां पर ए आंसर दे दिया है। अब ऐसे आंसर पता नहीं आप लोग कैसे दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आया है। जब एक निरियोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निरियोगी, निरियोगिता का मतलब क्या हुआ कि वो किसी एक काम को करने में सक्षम नहीं है। वो बच्चा कोई एक काम नहीं कर पाता, हो सकता है वो बोल ना पा रहा हो, सकता है उसकी उंगलियां टेढ़ी हो, सकता है वो चल ना पा रहा हो सकता है उसको पढ़ने में कठिनाई हो, और वो बच्चा आपकी क्लास में आ गया है, क्या करोगे। पहला ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेज देंगे। बिल्कुल नहीं,
यही तो समावेशी शिक्षा का आधार है। हम उसे अलग स्कूलों में नहीं भेजेंगे। पहला वाला आंसर गलत। दूसरा आंसर क्या है? उसे अन्य विद्यार्थी से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं रख सकते, हटा दीजिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम उसे कैसे अपने साथ रखें, उससे पहले उसके पेरेंट्स से पूछनी चाहिए कुछ बातें कि इस बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी कैसे आई, ये बच्चा क्या खाता है, तो उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा हम उसे कैसे अपने साथ रख सकते हैं, तो उसके माता पिता से चर्चा करेंगे। इसलिए सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, पियाजे से संबंधित है। पियाजे का क्वेश्चन ना हो तो सीटेट अधूरा या साइकोलॉजी अधूरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चरणों में इंद्री परक गामक अवस्था किससे संबंधित है, यानी इंद्री परक गामक अवस्था पहली अवस्था के बारे में, या इंद्री गामक जन्म से 2 साल तक बच्चा क्या क्या करता है पियाजे के अनुसार। ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। दूसरे ऑप्शन में है तार्किक रूप से समस्या समाधान। तीसरे ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो ये सवाल बड़ा इजी बना दिया, इसको कठिन भी बनाया जा सकता था। इतना इजी बना दिया कि कोई भी आसानी से इसका आंसर दे सकता है कि बच्चा जन्म से 2 साल तक अनुकरण करता है, ठीक है, इसके अलावा स्मृतियां उसकी भंडारित होने लगती हैं और मानसिक निरूपण यानी कि उसके स्कीमा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसका सही आंसर पहला वाला ही होगा। अच्छा, बी ऑप्शन अगर हम कहें तार्किक रूप से समस्या समाधान, मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे के अंदर तर्क कब आता है, तो जरा आंसर लिखकर भेजिए। अगर इसी क्वेश्चन में और बनाऊं कि एक बच्चे में तर्क विकसित कब होता है, तो जरा आंसर लिखकर भेजिए, तर्क कब विकसित होता है, जल्दी से आंसर भेजें। सात साल के बाद, लक्ष्मी मौर्य, श्वेता सिंह, 7 से 11, 7 से 11, बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा आंसर ऐसे बन सकता था 7 वर्ष के बाद। जिन लोगों ने 7 से 11 आंसर दिया है वो थोड़ा सा आप लोगों ने उसको किताबी लैंग्वेज पकड़ा दी है। क्या 11 साल में तर्क खत्म हो जाएगा जो आप 7 से 11 लिख रहे हैं? तो ये 7 साल आपने लिखा वो बेस्ट आंसर है। 7 वर्ष के बाद बच्चे में तर्क विकसित हो जाता है और 11 वर्ष के बाद बच्चे में मूर्त और अमूर्त दोनों तर्क विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 से 11 ना लिखकर आप लोग केवल 7 वर्ष के बाद लिखा करिए, ठीक है। हाँ, 7 वर्ष के बाद, अगर मान लीजिए आपसे कभी इंटरव्यू में किसी ये पूछा भी जाता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक रूप से कब सोचने लगता है, तो आंसर 7 से 11 मत दीजिएगा, आंसर 7 वर्ष के बाद दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 11 वर्ष के बाद फिर वो जो है बंद कर देता, नहीं, 11 वर्ष के बाद भी तर्क उसके अंदर रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन और मैं बनाऊं जो इस बार पूछा गया था आपके सीटेट में और केंद्रीय विद्यालय में दोनों में। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं इसी क्वेश्चन में, बच्चे में निगमनात्मक चिंतन कब आता है, निगमनात्मक चिंतन, मैं आपसे पूछूं एक बच्चा निगमनात्मक चिंतन कब करता है, डिडक्टिव थिंकिंग, आंसर लिखकर भेजें। निगमनात्मक चिंतन, जल्दी आंसर भेजें, देखें आप लोग कितना समझते हैं चीजों को। यह क्वेश्चन इस बार केंद्रीय विद्यालय के पेपर में पूछा गया था। 72 लोग ऑनलाइन हैं, कम से कम 50 उत्तर आने चाहिए। जरा बताएं, 72 लोग इसमें ऑनलाइन है, कुछ तो बताएं। पूर्णिमा मौर्य करी 11 के बाद, ठीक है, चलिए अभी बताता हूं सही है कि गलत है। भारती सिंह करी मूर संक्रियात्मक अवस्था, मूर संक्रियात्मक। अंकिता 11 वर्ष से ऊपर। लक्ष्मी 11 वर्ष के बाद। रेशम द्विवेदी 11 के बाद। 2C अरुण सुमार, 2C क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक। श्याम थोड़ा सा गलत आंसर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आफ्टर 11, 7 वर्ष के बाद। प्रियंका यादव, ठीक है, चलिए आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। निगमनात्मक चिंतन 11 वर्ष के बाद आता है, ठीक है, 11 वर्ष के बाद बच्चे में निगमनात्मक चिंतन आता है। तो चाहे आप 11 वर्ष के बाद कहें या आप कहें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन ये निगमनात्मक चिंतन होता क्या है ये भी समझ लीजिए। बच्चे को आप एक सूत्र दे दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है, और बच्चा इसके आधार पर क्वेश्चन को करने लगे,
यानी हम बच्चे को एक सामान्य चीज दें और बच्चा उसको विशिष्टता में परिवर्तित कर ले, हम बच्चे को एक परिभाषा दें बच्चा उसको प्रयोग करने लगे, हम बच्चे को एक नियम बताएं बच्चा उसके उदाहरण बना ले, तो ये क्षमता बच्चे में 11 वर्ष के बाद आती है, यानी निगमनात्मक चिंतन 11 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल सीटेट और केवीएस में पूछे जा रहे हैं, जो इस तरीके से कि ये चिंतन बच्चे में कब आता है, ये चिंतन बच्चे में कब आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आप लोग तुरंत आंसर इसका दे दोगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी हमारी पर्सनालिटी किसका रिजल्ट होता है, तो आंसर है पहला है पालन पोषण शिक्षा का, दूसरा अनुवांशिकता वातावरण, तीसरा केवल वातावरण और चौथा अनुवांशिकता। तो आप सबको पता है इसका बी आंसर सही होगा, अनुवांशिकता और वातावरण में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका, आप लोग इसे बेहतर तरीके से जान गए हैं। ठीक है बिल्कुल, 24 का बी आंसर। नेक्स्ट लगाएं। आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 25 में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे पर हमें इंडिविजुअली ध्यान देना जरूरी है जब भी हम पढ़ा रहे हो, क्यों ध्यान देना जरूरी है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है, थर्ड ऑप्शन है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने में सहायता मिलती है, चौथा है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है इसलिए वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो बिल्कुल इसमें भी बहुत ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं, साइकोलॉजी आपने पढ़ ली है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे की विकास की दर अलग होती है इसलिए उसकी दर पर हमें उसे पढ़ाना चाहिए, डी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रत्येक बच्चे की विकास दर अलग होती है इसलिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है अनन्या शर्मा, आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखकर एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, पहला ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या चौथा ऑप्शन है प्राकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, आप बताएं इसका सही आंसर, आंसर तो सभी लोग दे रहे हो लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के कुछ शब्द मैं आपसे पूछ लूं, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, प्राकल्पना क्या होती है, प्रासंगिकता क्या होती है, तो आप लोग आंसर नहीं बता पाओगे। लेकिन आंसर आप लोग दे दोगे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है समस्या समाधान, सबसे पहले तो समस्या समाधान क्या होता है, नाम से ही समस्या, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि हम सीटेट में 130 नंबर कैसे लाएं और उसका हमें क्या करना है, समाधान करना है, तो इसके कुछ चरण होते हैं कैसे इसका समाधान करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला चरण क्या होता है कि हमें समस्या की जानकारी होनी चाहिए, पहला चरण क्या होता है, हमें समस्या की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें समाधान क्या करना है तब तक हम कैसे समाधान कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दूसरे चरण में हम करते हैं उस समस्या से संबंधित नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, यानी साहित्य का अध्ययन या साहित्य का
अध्ययन, और तीसरा चरण होता है प्राकल्पना का निर्माण। ये जो शब्द आया इसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको लेकर कई लोग देखिए गलत कमेंट कर रहे हैं, किसी ने कहा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, समझिए क्या होता है। प्राकल्पना का मतलब होता है हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो आंसर देते हैं। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं, आपने बीएड किया है, आपने टीईटी पास किया, सीटेट पास किया, तो आपको नॉलेज तो है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए जरा जीन पियाजे के सिद्धांत में आपको क्या कमी लगी, तो इतना पढ़ने के बाद कोई ना कोई कमी तो आप निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग आपने जो आंसर दिया वो हाइपोथेसिस होती है, कल्पना, नाम में जुड़ा कल्पना, यानी कि उस समस्या के समाधान का एक टेंटेटिव आंसर, एक कल्पनात्मक उत्तर, कि हमारी समस्या थी कि 130 नंबर कैसे पाना है, तो इसको लेकर एक हमारा अपना बनाया हुआ आंसर कि 130 नंबर पाने के लिए हमें 4 घंटे पढ़ना होगा। अब जरूरी नहीं कि 4 घंटे पढ़कर 130 हम ला सके, लेकिन हमने अपना एक आंसर बना लिया। तो किसी भी समस्या का समाधान का जो हमारा अपना एक आंसर होता है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके आधार पर आगे समाधान किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अनन्या शर्मा ने सही आंसर दिया है, हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो आंसर निकालते हैं उसी को प्राकल्पना कहते हैं। ठीक, वेरी गुड, हाइपोथेसिस इंग्लिश में कहते हैं, तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहला चरण होता है समस्या की जानकारी या समस्या को चुनना, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। काफी लोग जुड़ चुके हैं, 80 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर भी आप लोग किताबों के आधार पर मत देना, क्योंकि 4 किताब पढ़ेंगे तो 4 किताबों में आपको अलग अलग आंसर इसका मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी सीखने का क्षेत्र कौन सा है, सीखने का क्षेत्र। ऑप्शन है अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक। आपको बताना है सीखने का क्षेत्र कौन सा है, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यवसायिक। एम्पिरिकल, इफेक्टिव, सभी लोगों ने ए आंसर दिया है, अनुभव से सीखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, चलिए आंसर तो ये सही है कि हम अनुभाविक क्षेत्र से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर सीखने की जगह पर शिक्षण कर दें, निम्नलिखित में शिक्षण का क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही, आप सभी लोगों ने सही दिया, अनुभाविक। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें, इसमें हम शिक्षण कर दें, निम्नलिखित में शिक्षण का क्षेत्र कौन सा है, तब आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तब आंसर बी हो जाएगा, भावात्मक, क्योंकि ब्लूम ने कहा है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 डोमेन होते हैं शिक्षण के। ठीक है, तो चूंकि यहां पर सीखने का क्षेत्र पूछा गया है तो आंसर ए होगा, लेकिन यहीं अगर शिक्षण का क्षेत्र पूछा जाता तो आंसर बी होता। ठीक है, यानी कि भावात्मक होगा, लेकिन कुछ लोग इसमें डी आंसर दे रहे हैं। देखिए तो चलिए क्वेश्चन क्लियर है, सीखने का क्षेत्र अनुभाविक होगा आंसर, और अगर यहां पूछा जाता कि शिक्षण का क्षेत्र, तो आंसर बी होगा, भावात्मक। हां, शिक्षण का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो किस बात का संकेत होता है। कोई बच्चा कोई काम करते समय अचानक उबने लगे, उबासी लेने लगे, परेशान हो जाए कि कौन से काम में हमें जुटा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है। पहला है कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, चौथा है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। एक्चुअली पेपर बड़ा इजी था 2012 का, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा कठिन ऑप्शन बनाए जाते तो मजा आता,
बड़े इजी ऑप्शन बना दिए गए। पहले ऑप्शन में कहा गया कि यंत्रवत काम हो रहा है, बाकी ऑप्शन बेकार के रख दिए गए, वो अपने आप हट जाते हैं, आंसर ए सही हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें बनाया नहीं गया जो कंफ्यूज आपको करता हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहला है ए ऑप्शन। बिल्कुल, जब कोई काम मैकेनिकली होता है तो बच्चा बोर हो जाता है, या कोई भी व्यक्ति एक ही काम हम डेली आपको वही चीज पढ़ाए डेली वही चीज पढ़ाए तो आप बोर हो जाओगे, हमेशा चेंज बच्चा चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेशम द्विवेदी, पेपर कब तक होगा? जब पेपर की कोई भी न्यूज हमें आ जाएगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे आकर और यहां पर आकर बताएंगे। प्राची कह रही सर 2018 का लेवल टफ हुआ क्वेश्चन, चलिए किसी दिन 2018 वाला भी सॉल्व कर देखिए कितना टफ है। 29 क्वेश्चन आ चुका है, प्रायः बच्चे की गलतियां किस ओर संकेत करती हैं? पहला है वह कैसे सीखते हैं, दूसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, तीसरा है सीखने की अनुपस्थिति, चौथा है बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी सामाजिक आर्थिक सार स्तर। तो इसका आंसर कुछ लोग गलत दे रहे हैं। हिमांशु, बी कहां से हो जाएगा? बच्चे को यंत्रवत का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हो यंत्रवत काम कराने से बच्चा बोर हो रहा है और अगले में यंत्रवत काम करा रहे हो, अब मैसेज डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, शिवांशु वर्मा ने भी डिलीट कर दिया, अखिल कुमार तुम भी डिलीट कर दो, प्रदीप कुमार आप भी डिलीट कर दो, राम राजपूत भैया डिलीट कर दो आंसर अपना। अच्छा, खान जरायत कह रही सर ये जनवरी का नवंबर वाला टफ था, चलिए कोई टफ नहीं, अगर आप लोगों का अभी भी कोई पेपर टफ लगता है तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार। शिवम रस्तोगी, बी आंसर डिलीट कर दीजिए, ए होगा। ठीक है, अंजलि सिंह कह रही सर ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? अंजलि बिल्कुल ले सकते हैं, अभी 2-3 दिन में पीआरटी की क्लास केबीएस की क्लास में स्टार्ट करूंगा, आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बच्चे की गलतियां इस ओर संकेत करती कि बच्चे कैसे सीखते हैं यानी बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कुछ तकनीकी समस्या के कारण लास्ट क्वेश्चन आया नहीं, टाइप नहीं हो पाया है, तो बस 29 क्वेश्चन ही है, अगला क्वेश्चन कुछ तकनीकी समस्या के कारण आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये पेपर सॉल्व हो चुका है। अंजलि, आप जिस चीज की क्लास लेना चाहें वो आप लिखकर बता दीजिए, आपको बता दिया जाएगा आप किस चीज की क्लास लेना चाहते हैं, टेट की, सी टेट की, या पीआरटी की, केवीएस की। ठीक है, प्रिया शुक्ला कह रही पार्टिसिपेट ऑफ बिहेवियर ब्लूम के 3 टाइप में कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव या साइको मोटर किस में आएगा? ठीक है, क्या चीज, पार्टिसिपेट ऑफ बिहेवियर, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया प्रिया, किसी पुरानी क्लास उठा के देख लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम सीख नहीं पाए, बट वो पेपर फर्स्ट टाइम टफ लगा था, बिल्कुल अब तो टफ नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर, पीआरटी की इंडिविजुअल क्लास होगी कि पूरा बैच स्टार्ट होगा जैसे सीटेट का चल रहा है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। अनन्या, नाइस क्लास, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। हिमांशु 28 सही 29 में, अनुपमा 28 सही, पूजा सेकंड पेपर सॉल्व कर दे, कल से शुरू होगा जूनियर का पेपर। ठीक है, बफरिंग कर रहा है आराधना दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका तुम लोगों का पढ़ने की। ठीक है, शिवांशु का क्वेश्चन भी आ गया है, थॉट नॉट ओनली डिटरमिनेंट लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीडिड हु अमंग द फॉलोइंग सेट फॉर द आइडिया, यानी हमारे विचार सिर्फ भाषा के द्वारा निर्मित ही नहीं होते, आगे भी जाते हैं, तो भाषा से विचार की बात वाइगुड्स की नहीं कही थी, सही आंसर 4 होगा वाइगुड्स की। प्रिया शुक्ला 30 में 30 सही हो गए हैं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अंजलि सिंह, टेट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? आपको बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए, 1-2 दिन में। 27 सही है, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, आप लोग पढ़ते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए, कल से हम लोग जूनियर का पेपर सॉल्व करेंगे और कल जो जूनियर का सॉल्व होगा वो 2019 का सॉल्व होगा। ठीक है, 2019 के जूनियर का पेपर हम लोग कल सॉल्व करेंगे, तो कल तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से सहयोग करते रहिए हमारा। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो,
वही हमारे लिए एनर्जी है। आप लोग अपने डाउट क्लियर करते हो, वही हमारे लिए है। और अनुराग या जो भी लोगों ने शुरुआत में कैंपेन की बात कही थी, जरूरी नहीं कि हर आदमी बोले, सपोर्ट होना चाहिए, हमारा सपोर्ट बिल्कुल आप लोगों के साथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।